हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हंसडिकर रिएक्शंस यानी हंसडिकर बोरोडिन रिएक्शंस। अब इस रिएक्शंस में क्या होता है, देखो इस रिएक्शंस के में होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड के साथ ब्रोमीन्स रिएक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, तब क्या फॉर्म होगा, ब्रोमो एल्केन ही फॉर्मेशन होगा, यानी ये हेलो एल्केन प्रिपरेशन ही बोल सकते हो। इसमें ओनली ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर होते हैं। इसमें एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सिल्वर कंबाइंड होकर क्या फॉर्म होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ ब्रोमीन्स रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, तब ये क्या होते हैं, इससे सी ओ पार्ट यानी इस पार्ट को रिमूव होगा, और रिमूव होकर ब्रोमीन्स इसमें क्या होगा, सब्सटीट्यूट होके ये ब्रोमो एल्केन फॉर्मेशन हुआ, और सी ओ एज ए कार्बन डाइऑक्साइड्स और बाकी एक ब्रोमीन्स एज ए जी बी आर सिल्वर ब्रोमाइड्स ऐसे फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शंस में ऐसे हम ब्रोमो एल्केन फॉर्मेशन हो सकते होते हैं, यानी ऐसे सी ओ रिमूव हुआ है, ये एक डी कार्बोक्सीशन और ये हेलोजेनेशन, ये दोनों मेथड्स का रिएक्शंस है, ये दोनों प्रोसेस का ये एग्जाम्पल्स है। अब इसमें एग्जाम्पल्स ये देखो, सिल्वर प्रोपानोइट दिया है, ये सिल्वर प्रोपानोइट्स क्योंकि 1, 2, 3 तीन कार्बन है, इसलिए सिल्वर प्रोपानोइट के साथ प्रोपानोइट के साथ हम ब्रोमीन रिएक्शंस करके कार्बन तब इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये डी कार्बोक्सिलेशन करके, मतलब ये सी ओ को रिमूव करके और क्या फॉर्मेशन हुआ, ब्रोमो इथेन फॉर्मेशन हुआ है, और ये एक इसको हम हंसडिकर रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल्स है जो बोथ डिकार्बोक्सिलेशन एंड हेलोजेनेशन बोथ मेथड्स ये क्या होते हैं, शो होते हैं इस रिएक्शंस में। अब ये रिएक्शंस क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अब ऐसे ही हंसडिकर रिएक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म में देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में क्या होता है, ये बाय फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे फॉलो होते हैं, देखो पहले ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब ब्रोमीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, तो तब क्या होता है, इसमें हीट करना पड़ता है, हीट मतलब हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, एसाइल हाइपोब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करने से ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है, ब्रोमीन से एक सब्सटीट्यूट होके क्या होते हैं, एसाइल हाइपोब्रोमाइड फॉर्म होते हैं और बाकी सिल्वर ब्रोमाइड एज ए प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। अब इस रिएक्शन जब एसाइल हाइपोब्रोमाइड ये फॉर्मेशन होता है ये इंटरमीडिएट, तब इसमें होमोलाइसिस होते हैं, होमोलाइसिक मतलब इसमें क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को क्या होगा, इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऐसे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से होते हैं, आर सी ओ एक फ्री रेडिकल्स एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। अब ये आर सी ओ ग्रुप्स ये स्टेबल होने के लिए क्या होगा, इस आर सी आर कार्बन से आर ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होगा इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन के डायरेक्शन पुश होके क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और एल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और इसमें जो तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स तो पहले ही से था, ये एल्काइल फ्री रेडिकल्स और ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स दोनों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंबाइंड होके ब्रोमो एल्केन फॉर्मेशन होते हैं। ऐसे ही हंसडिकर रिएक्शंस के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं बाय फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म्स, ये बाय फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म्स ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, यही है हंसडिकर रिएक्शंस।